हाय एवरीवन, वी वेलकम यू एट टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। आज हम देखेंगे बट सीखेंगे, देखेंगे नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस होता है ओनली एजुकेशनल। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में चार चीज़ हमें मिली है, तो फोर क्लूज मिले हैं, कौन सी साइड मिले हैं चलिए देखते हैं। तो इसमें हमें न्यूट्रली देखना है, ऑटोमेटिक हमें सिग्नल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कंबाइन किया तो हमें पता चल रहा है कि वी आर गेटिंग फोर बेरिश सिग्नल। ओके तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। और शुक्रिया दोस्तों, 5K कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्दी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। कोई टारगेट में हम बिलीव नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस रिवाइज करते हैं, सब्सक्राइबर्स में भी। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट जहाँ पे आपको सजाया हुआ दिखेगा, यहाँ पे तो हर रोज़ फेस्टिवल होता है, तो इसीलिए इसको डेकोरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर वन, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक ब्रश ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा है और इट हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रोकन, राइट। एक बार क्लोज नीचे दे चुका है एंड आफ्टर दैट टुडे वी हैव गॉट द रिएक्शन। रिएक्शन कैंडल भले ही रेड है बट आप लाइन चार्ट के थ्रू यू कैन कंफर्म। ओके देखिए, ये एक्शन, ये रिएक्शन। तो अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है और उसके लिए ही तो हम वेट कर रहे थे। तो पॉइंट नंबर वन, बेरिश हेड एंड शोल्डर। पॉइंट नंबर टू, नेकलाइन तोड़ने के बाद रिएक्शन। बट उससे अच्छी जो पॉइंट नंबर टू है वो कह रहा है कि समथिंग बैड कैन कम इन दिस बैंक निफ्टी। सो गैप डाउन शोज द वेरी बेरिश सिग्नल फॉर बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर टू, मार्केट ओपन इन द बैंक निफ्टी ओपन इन द गैप डाउन एंड आफ्टर दैट we got the action and one more reaction। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3465.870 आप सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं या फिर उसके नीचे फॉल हो सकता है, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो। और रिएक्शन जो है वो फ्रेंड बहुत ही क्लियर चीज़ है, उसका हाई जो है वो स्टॉप लॉस है। सो एज पर आवर सब्सक्राइबर्स नीड, तो हम ऑलवेज उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि लेवल पहले लिख दीजिए चैट पे, तो लिख दिया है। तो स्टॉप लॉस है 3551.10, क्योंकि आप लोग ही हमें बेहतर बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं अभी लास्ट पॉइंट पे डिस्कशन, पॉइंट नंबर फोर, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, जो हमें यहाँ से इंडिकेटर में से मिल चुका है, जहाँ पे यू जस्ट नीड टू टाइप डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स एंड यू कैन ऐड इन द फेवरेट। सो एवरी टाइम यू डोंट नीड टू फाइंड इट। यहाँ पे पॉइंट नंबर फोर में ADX जो है वो हमें दिखा रहा है कि क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे पैरामीटर बाई डिफॉल्ट है 1414। मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ है वो आपको सीखनी चाहिए। कल ये लो ब्रेक होने के बाद 3465.870 हो सकता है कि माइनस डी ये टॉप तोड़े, और वो टॉप के अगर वो टॉप टूटता है तो आप देखिए प्लस डी और वाइट लाइन कटने की चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, राइट। और रही बुलिश साइड, तो लास्ट में देखते हैं। और वो लो ब्रेक होने के बाद हो सकता है कि माइनस डी दोनों को क्रॉस कर दें, तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। और फाइनली स्टॉप लॉस से पावरफुल तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, तो वो तो ऑलवेज पेपर ट्रेडिंग के लिए आप ज़रूर रखिएगा। बुलिश साइड तो डेफिनेटली जब तक ये गैप फील ना हो, अभी तक के लिए, राइट। तो वो गैप जब फील होगा तब बुलिश साइड देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36494 गैप यहाँ पे फील होगा, राइट फ्रेंड्स। तो छोटा वीडियो लेकिन बड़ा धमाका आपके लिए, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर कम्युनिटी, राइट, डोंट मिस इट, राइट। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।